इन दिनों धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में चारों ओर गंदगी का आलम व्याप्त हो रहा है, जिसके चलते गर्मी के दिनों में किसी भी बीमारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। नगर परिषद ओंकारेश्वर द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर में इन दिनों गंदगी बड़े पैमाने पर फैली है, जिससे मच्छरों की संख्या में वृद्धि तो हो ही रही है। इतना ही नहीं, गोमुख घाट, नाव घाट, चक्रतीर्थ घाट प्रमुख घाट पर नर्मदा नदी में गंदा एवं दूषित जल बह रहा है, जबकि शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर सीवरेज प्लांट के माध्यम से चार स्थानों पर गंदे पानी को रोकने की व्यवस्था के प्लांट लगाए गए हैं, जो अनुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। कागजों पर स्वच्छ भारत सुंदर भारत सपने को साकार कर रही है। ओंकारेश्वर नगर परिषद क्षेत्र में प्रसादम योजना के तहत चल रहे करोड़ों के विकास कार्य लापरवाही पूर्ण निर्माण के चलते मार्गों पर सामग्री फैली पड़ी है। ओंकारेश्वर नगर परिषद की लापरवाही से चारों ओर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दोपहर न्यूज, ओंकारेश्वर।